में एक बार पीना है, आप इसको निहार मुंह पी लीजिए। निहार मुंह पीने के बाद आप आधे या एक घंटे के बाद खाना नाश्ता खा सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं कि पेस्ट आपने कैसे बनाना है। पेस्ट के लिए आपने 2 अदद बादाम रात को भिगो के रख देने हैं। सुबह उठ के उन दोनों बादामों का छिलका उतार के उनको अच्छी तरह से पीस लीजिए कि वो एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब इसमें आधा चम्मच आपने तिल जो होते हैं सफेद कलर के तिल, उनको भी ग्राइंड कर लेना है, उनका भी पेस्ट बन जाएगा। और इसमें आपने 3 चम्मच दूध डालना है। दूध आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉयल किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी दूध आपके पास हो, गाय का, भैंस का, कोई भी। तीनों चीजों को ये कि आपने मिक्स कर लेना है, ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इस पेस्ट को आपने चेहरे पर लगाना है और 30 मिनट के लिए लगा रहने देना है। ये ड्रिंक और ये पेस्ट आपने 21 दिन इस्तेमाल करना है। 21 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जितने भी काले दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन इससे पहले ये कि इस नुस्खे को मर्द और औरतों दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, वो ये कि इतना की तमाम वीडियोस में आप लोग कमेंट्स में प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा। वो इस तरह से कि कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वीडियो के अंदर जो बात बताई जा चुकी होती है उसी के मुतालिक कमेंट्स में सवाल करते हैं, तो जो ऐसी बात वीडियो में बताई जा चुकी है उसके मुतालिक प्लीज कमेंट्स नहीं लिखा करें। इससे उन दोस्तों के सवाल के जवाब भी रह जाते हैं जिन्होंने जरूरी बात पूछी होती है। लिहाजा ये वीडियो ईद से पहले अप्लाई करने वाली हैं तो बाद में भी अप्लाई करने वाली, लेकिन आप किसी ऐसे सवाल की वजह से बैठे रहें कि मैं आपको जवाब दूं। जवाब मैं दूंगी आप लोग के कमेंट्स का लाजमी, लेकिन ऐसे सवाल जो वीडियो में बताए जा चुके होंगे उनसे ईद तक अवॉइड किया जाएगा, उनका जवाब ईद के बाद दिया जाएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती